अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? सब खैर खैरियत से हैं? जितने मेरे भाई हों, जितने भी बहन हैं, खैर ऑफियत से होंगे सारे। आज की गोल्ड की हमें क्या सिचुएशन दिख रही है, आज की गोल्ड की सिचुएशन भी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ। देखें, अभी 15 तारीख के बाद मार्केट बेकार हो जाएगी बिल्कुल जो है। तो बस आप लोग के पास 2-3 दिन ही हैं ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, इसमें अब आपको क्या करना है? इसमें अब आपको ये नहीं कि आपने बहुत बड़ी बड़ी लॉट्स लगानी है, अपना हर चीज स्टेक पे लगा देनी, ऐसे नहीं करना। आपको आपको जस्ट सिंपल 30 to 50 पिप्स की ट्रेड करनी है। इससे बड़ी आपको ट्रेड नहीं करनी है। 30 to 50 पिप्स जैसे आपके पॉजिटिव हो, आपने एग्जिट ले लेना है, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट बहुत अजीब तरीके के मूवमेंट देगी जो कि आपको समझ नहीं आएंगे कि हुआ क्या आखिरकार। सही है, इसी तरीके से जैसे मैं पहले बताता आया हूँ, इसी तरीके से मैं एक मूवमेंट दिखाता हूँ आपको। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा उस मूवमेंट को देख के। अब यहां देखें, इस एरिया में मैं इसको मार्क कर लेता हूं ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। इस एरिया में गोल्ड ने क्या करा? इस एरिया में गोल्ड ने यहां पे हमें प्रॉपर, जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई तो लोगों को, हर बंदे को बाइंग में बिठा दिया ये वाली कैंडल क्लोज होते ही। सही है, ये वाली कैंडल क्लोज होते ही बाय में बिठा दिया। उसके बाद गोल्ड एग्जैक्ट तकरीबन बाय में बिठा के सेल में आया। सेल में उसने एक डबल बॉटम टाइप, डबल बॉटम की कंडीशन अप्लाई करी। डबल बॉटम की कंडीशन अप्लाई करने के बाद फिर आप देखें, गोल्ड बाय में गया ही नहीं। जिस जिसने ये वाली कैंडल क्लोज पे, इस कैंडल पे बाय ली थी, क्योंकि इस तरीके से लोग देखते हैं जब तक कैंडल क्लोज होती है, तो उसके पास प्रॉपर अपना पॉइंट आया ही नहीं। देख रहे हैं आप किस तरीके की मूवमेंट आई मार्केट में? हालांकि मार्केट ने बाय दिखा दी थी, उसके बाद मार्केट आज के दिन में मार्केट सेल में आ गई थोड़ी सी बाय दिखा के। तो मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 30 to 50 पिप्स लेने हैं। अब मैं आपको ये मूवमेंट भी दिखाया था, मूवमेंट कितना था, ये 70 और 60 पिप्स से ज्यादा का होगा नहीं। देखें, 65 66 पिप्स का ये मूवमेंट था। स्प्रेड काउंट होता है, सारी चीजें काउंट होती हैं, तो आपका तकरीबन ये 60 पिप्स, अगर मार्केट ऐसे चली जाए तो 50 पिप्स ही काउंट होंगे आपके, जो आपकी ट्रेड क्लोज होगी। सही है, इसी तरीके से आप यहां भी देखें, यहाँ कितना मूव आया मार्केट में, यहाँ भी 75 पिप्स मूव का मूव आया। फिर ऊपर से जो है, ऊपर से भी तकरीबन कोई 80 पिप्स का मूव आया। तो इस तरीके से अभी गोल्ड के हमें H1 की सिचुएशन क्या दिख रही है, H1 की सिचुएशन दिखाता हूं मैं आपको। H1 पे गैप कैंडल का एरिया है, जिस एरिया से मार्केट थोड़ी सी बाइंग में एंटर हो रही है, प्राइस ड्राई हो गया सेलिंग का फिल वक्त। ये देखें आप, ये जो आपको बड़ी कैंडल दिख रही है ना, ये गैप कैंडल है। गैप कैंडल का ये एरिया है 1770 का। साइकोलॉजिकल भी एरिया है कि हर 100 पिप बाद एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आती है, साइकोलॉजिकल एरिया भी है, और इसके अलावा ये गैप कैंडल का एरिया भी आपके सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं आप। ज्यादा ज्यादा उस पे SL आपका ज्यादा बड़ा नहीं होगा। 1771 पे है मार्केट, 1771 से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करी बाय की, और आपका SL होगा 1768 का SL, मतलब 30 पिप का आपका SL होगा। और आपका टारगेट जो होगा, टारगेट भी आपका ज्यादा बड़ा नहीं होगा। पहला टारगेट होगा आपका इसका जो कि 30 पिप्स का, वैसे 40 पिप्स का, लेकिन आपकी ट्रेड क्लोजिंग पे 30 पिप्स ही काउंट हो पाएंगे वो, जो कि 1775 का। और दूसरा आपका टारगेट होगा 1778 का। सही है, इस टारगेट को आप लेके चलें। अगर इससे ऊपर भी मार्केट चले गई तो आपने अपने ये टारगेट लेना है, ये टारगेट लेके आपने रिलैक्स करना है। और जैसे ही आपकी ट्रेड 40 50 पे पॉजिटिव आ जाए, SL आपने अपना ब्रेक इवन कर देना है। एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जितने भी भाई हैं मेरे, SL लाजमी अपना ब्रेक इवन कर लिया करें, इससे बड़ा लॉस होने से बचेंगे। और एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि जितने भी लोग हैं, पूरे मुल्क में क्राइसिस चल रहे हैं और बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं, जितना हो सके अगर आपके पास ज्यादा है तो उसको डोनेट करें, लोगों की मदद करें। अगर कम है तो थोड़े कम उसमें ही लोगों की मदद करें। अभी मैंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले टोयोटा रिवो परचेज करी थी। अभी उसका ये
जो है मेरा दिल से, ताकि मैं जो भी चीज कभी भी किसी को डोनेट करनी होगी तो वो चीज करूंगा जो चीज मेरी सबसे अजीज होगी, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्यारी होगी। और आजकल आपको तो पता है लड़कों के लिए गाड़ी सबसे ज्यादा प्यारी चीज होती है, तो मैं जो है मैं अपनी जो बेसिक मेरी गाड़ी है, अफसोस भी हो रहा है सही है, लेकिन बस अब चले कोई मसला नहीं है, तो मैं सेल आउट कर रहा हूँ। सेल आउट करके जितने से ज्यादा लोगों की मदद हो सकती है उन लोगों की मदद करेंगे, और आप लोग के भी गिर्दोनवा में कोई लोग हों जो व्हाइट कॉलर हों लेकिन आपको लेकिन वैसे बोल नहीं रहे हो, डिजर्विंग लोग हों, आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह उनकी जितनी हो सके उनकी मदद करेंगे। तो ये तो एक पब्लिक सर्विस मैसेज हो गया। आप लोग के पास भी देखें, अगर किसी के पास एक गाड़ी तो उसकी बात नहीं कर रहा, किसी के पास दो चार गाड़ियां एक्स्ट्रा हैं तो वो कर ले, या किसी के पास कोई भी चीज़ है तो वो कर लो भाई, लेकिन लोगों की मदद करो, इससे आपकी अपनी आखिरत बेहतर होगी। अच्छा, बाकी H4 में क्या सिचुएशन दिख रही है? H4 में मैं H4 में गोल्ड ने प्रॉपर सेलिंग दिखाई हुई है। H4 में गोल्ड ने जो है गोल्ड ने दिखाया 1773 से गोल्ड, यहाँ पे 1773 पे आएगा। 1773 पे अगर रिजेक्शन कैंडल दे, इस एडी को ब्रेक ना करे, तो यहाँ से आपको सेलिंग करनी है गोल्ड की, और लो तक आपकी सेलिंग होगी। लो कौन सा है आपका? लो आपका है ना, लबला करे, लो आपका है 1761, लेकिन आप इसको 1763 पे आप टेक प्रॉफिट रखिएगा अपना, 1760 या 1761 पे नहीं रखिएगा टेक प्रॉफिट, सही है। बाकी आपके पास आते हैं हम D1 में। D1 में भी गोल्ड ने सेलिंग दिखा दी है। D1 में भी गोल्ड का एग्जैक्ट एक आखिरी एरिया वही है जो मैं आपको पहले से बताता आया हूँ, क्लस्टर एरिया है, जो कि 1760 टू 1757 का एक क्लस्टर एरिया है। 1757 का एरिया ब्रेक होता है तो उसके बाद फिर आपने कुछ भी नहीं सोचना समझना, अगर किसी भाई की कोई बाइंग की ऑर्डर बाइंग की ट्रेड लगी हुई है तो वो क्या करें, वो जो है वो अपनी ट्रेड के यहाँ पे जो है 1756 या 1757 पे अपना एक हेजिंग ऑर्डर, 56 पे रख दें, 10 पे नीचे ना, अपना हेजिंग ऑर्डर रख सकते हैं अगर किसी की बाई में फंसी हुई है, कि अगर बड़ा मूव आए तो सेलिंग का तो उसमें अकाउंट वॉश ना हो, सही है। तो ये कुछ गोल्ड की ट्रेड्स थी। बाकी इसके अलावा हम आ जाते हैं ऑयल पे। ऑयल की क्या सिचुएशन है? ऑयल बहुत अच्छे एरिया था, देखें जो मेरे पास पुराने एरिया लगे हुए हैं, मैंने जस्ट अपना वो खोला है डेली का जो एरिया लगा हुआ है पुराना, उसी एरिया से ऑयल, यहाँ से अपना ऑयल ने अपनी बाइंग की बहुत अच्छी कैंडल बनाई थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप हैमर, हैमर के बाद जब ये वाली एक बुलिश कैंडल बनी थी तो उसने हमें बाइंग बिठा दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं उसने कौन से एरिया से साइकोलॉजिकल भी एरिया बन रहा है, और साइकोलॉजिकल एरिया के अलावा जो पहले का देखें आप प्रीवियस जो एरिया था वहीं से ऑयल ने रिट्रेसमेंट ली, और अब ऑयल बाइंग की साइड दिखा रहा है, और वायल ने तकरीबन मतलब प्रॉपर डबल बॉटम नहीं बनाया लेकिन तकरीबन डबल बॉटम के करीब वायल यहाँ से बाय में उठा है। अच्छा, वायल की सेलिंग का भी एरिया बता देता हूँ मैं आपको, सेलिंग की लाइन में कर देता हूँ ब्लू, ये वायल लाइन है 1774.679। इस एरिया पे आप वायल की एक सेल ले सकते हैं क्योंकि वायल ने सेलिंग बनाई है, तो यहाँ से आप एक सेल लेके आपका SL जो होगा, SL आपका होगा इसके ऊपर 75 पे, अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका तकरीबन कोई 77 का तो आपका SL होना चाहिए। तो ये वाइल की ट्रेड आई हुई थी आपके सामने एक बहुत अच्छी डेली की। बाकी इसके अलावा बिटकॉइन की क्या सिचुएशन है? बिटकॉइन अभी सेलिंग में ही है, लेकिन अभी फिलहाल जो बिटकॉइन कैंडल्स दिखा रहा है, बिटकॉइन थोड़ी बाइंग में जाके उसके बाद मजीद सेलिंग में ही आएगा। बिटकॉइन की कोई इतनी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है अभी। बिटकॉइन का भी तकरीबन उसी तरह का चार्ट पैटर्न हुआ जिस तरीके का गोल्ड का चार्ट पैटर्न हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस दिखेगी। ये देखें जिस तरीके से बिटकॉइन का हुआ है, गोल्ड का भी इसी तरीके से हुआ हुआ है। तो ये बिटकॉइन का जो की एरिया आ रहा है, की एरिया है बिटकॉइन का, बिटकॉइन का भी बहुत अच्छे गैप कैंडल पे बिटकॉइन का एरिया पड़ा हुआ है जहां पे बिटकॉइन स्टक हुआ हुआ है। यहाँ से अगर इस एरिया को ब्रेक करता है बिटकॉइन तो यहाँ से आप इसके नीचे आप सेल स्टॉप रख सकते हैं, इसके 10-20 पे नीचे जो है सेल स्टॉप रख के आप ट्रेड छोड़ सकते हैं अपनी 10-20 पे का सेल स्टॉप। और तकरीबन बिटकॉइन है तो बिटकॉइन हाईली फ्लक्चुएट है, तो इसमें आप 100 पिप का SL रखेंगे और 300 पिप का टेक प्रॉफिट रखेंगे, सही है।
सेल स्टॉप का। अच्छा तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी वीडियो हो गई। वीडियो इस दफ़ा मैंने कोशिश करी कि ज़्यादा लंबी ना हो, और किसी भी भाई को मार्केट लीडर क्लब में आ रहा हूँ, मेरे साथ मिलकर ट्रेड करनी हो। इंशाल्लाह जनवरी से बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, जनवरी से बहुत गुड न्यूज़ आप सब भाइयों को मिलने वाली हैं रिगार्डिंग ट्रेडिंग और कॉपी ट्रेडिंग भी, और उसके अलावा सिग्नल्स कॉपी ट्रेडिंग और भी जो जो फैसिलिटीज हो सकेंगी वो फैसिलिटीज आप लोग के लिए करवाएंगे। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे आप सब भाई आएंगे और सब भाइयों को बहुत इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सही है, बाकी सब अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।